हमारे धरती के स्वर्ग नेचर के बाद धरती से ही जुड़े हैं, हमारे भारत देश की धरती का स्वर्ग जिसे कहते हैं, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिस्टोग्राफी ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, डॉक्टर सिंधु कपूर जी। धन्यवाद। मंचा सिंह इस सत्र की अध्यक्षा, डॉक्टर सुष्मिता पांडे जी, सभाघर में उपस्थित हमारे माननीय इतिहासकार बंधुवर व विदुषियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन। टॉपिक ऑफ माय पेपर इज हिस्टोरियोग्राफी ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एनालाइजिंग द राइटिंग्स ऑफ विमेन हिस्टोरियंस। चूंकि मुझे इसका एक जिस्ट ही यहाँ पर प्रस्तुत करना है, तो मैं अपना पेपर पढ़ने से पहले कुछ बातें आप सब विद्वानों के सामने मैं रखना चाहूंगी। सबसे पहले, चूंकि 5 अगस्त को हमारे रीजन का पुनर्गठन हो चुका है और हम अब जम्मू व कश्मीर स्टेट नहीं कहते हैं, और स्पेशली जब हम हिस्ट्री के पन्नों में पीछे पलट के देखते हैं, तो अब हमारी बहुत सारी राइटिंग्स में नॉमेनक्लेचर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रीजन में भी बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं, और मुझे लगता है अपने आप 5 अगस्त में एक इतिहास बन चुका है, और हम सब लोगों को जो इस पीरियड के ऊपर लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमें एक नई ऊर्जा पहले ही मिल चुकी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने पेपर का टाइटल हिस्टोरियोग्राफी ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रखा है, क्योंकि पहले हम जम्मू व कश्मीर स्टेट बोला करते थे। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर मैं कहती हूँ, तो मतलब है 2,22,836 किलोमीटर का वो पूरा का पूरा वर्ग, जिसमें अब की यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर और बाद में कश्मीर के आगे का जो POK वगैरह है वो सब भी इसमें आता है। पहले तो ये वर्ग की बात है। दूसरी बात, इस प्रिंसली स्टेट की अगर हम हिस्टोग्राफियों के बारे में बात करते हैं, तो एक फीचर यहाँ पर उभर के आता है, क्योंकि जब हमने इस पीरियड के ऊपर रिसर्च शुरू की थी, तो ऐसा कहा जाता है कि 1 जून को या एक तरीके से किसी बात को 10 बार कहा जाए तो वो नरेटिव सच हो जाता है। EH Card ने अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में लिखा, CP Scott को कोट किया है, वो जो जर्नलिस्ट थे वहाँ के मशहूर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा है, फैक्ट इज सेक्रेड, ओपिनियन इज फ्री। तो ये बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे परसेप्शंस, बहुत सारे वर्जन्स जम्मू कश्मीर के इस पीरियड ऑफ 1846 टू 1947 पे बहुत सारे वर्जन्स चले हैं, तो वो नरेटिव जो 10 बार इस एक ही तरह से कहे गए, तो वो शायद मैं झूठ तो नहीं कहूंगी, लेकिन वो जो वर्जन है, वो नरेटिव है, दैट हैज टेकन ऑलमोस्ट द स्टेटस ऑफ एक्सियोमेटिक ट्रुथ। तो उस चीज के चलते जब कोई नया विद्यार्थी इस पीरियड के इतिहास को पढ़ता है, तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि एक एस्टैब्लिश स्टेटस को किस तरह से हम पढ़ें, और अपना वर्जन अगर कोई आता है तो किस तरह से देखें। तो इस पीरियड के चलते हिस्टोरियोग्राफी में, और स्पेशली विमेन हिस्टोरियोग्राफी में, 2 मेजर किताबें 21st सेंचुरी में, और सबसे बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, 2004 में ही आई। उन 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम मैं बताती हूँ। एक तो लिखा है चित्रलेखा जुच्छी ने, लैंग्वेजेस ऑफ बिलोंगिंग। आप प्लीज उनका टाइटल ध्यान से सुनिएगा, उनकी किताब का नाम है चित्रलेखा जुच्छी की, लैंग्वेजेस ऑफ बिलोंगिंग, इस्लाम, रीजनल आइडेंटिटी एंड द मेकिंग ऑफ कश्मीर। उसी साल में एक और किताब आती है मृत्यु राय की, उनकी किताब का नाम है हिंदू रूलर्स, मुस्लिम सब्जेक्ट्स, इस्लाम, राइट्स एंड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इन 2 किताबों के अलावा अगर हम हिस्टोरियोग्राफी में जाते हैं पब्लिश्ड मटेरियल के ऊपर, तो 1978 में कश्मीर के PG डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था 1978 में, वहाँ माधवी यासीन जी ने अपना पेपर प्रस्तुत किया था ऑन द टाइटल
on the title role of freedom women freedom fighters in the movement of 1931 aur us seminar ka hi jo topic tha jo jis discourse ke upar wahan par seminar prastut organize kiya gaya tha that was history of the freedom struggle in Jammu and Kashmir. तो शायद इसके आगे मुझे और भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माधवी यासीन जी ने अगर हम कहें तो रोल परसेप्शन पार्टिसिपेशन और ओपिनियन ऑफ द विमेन ऑफ लद्दाख एंड जम्मू रीजन टुवर्ड्स द अपहीवल ऑफ 1931 इन पर्टिकुलर एंड दैट ऑफ रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह इन जनरल के बारे में कुछ नहीं कहा था. पूरी की पूरी तरह से ये जो उनका पब्लिकेशन थी वो कश्मीर एंड कश्मीरी विमेन उनके रोल के बारे पर ही आधारित थी. और इन जो दो किताबों का मैं यहाँ वर्णन कर रही हूँ खास तौर से मृदु राय और चित्रलेखा जुच्छी का, अगर हम एक जिस्ट में बात करें स्टेप्स में ना जाते हुए सिर्फ मैं उनकी जिस्ट की बात करती हूँ तो उन्होंने अपनी दोनों किताबों में देखिए जम्मू कश्मीर का वर्ग बहुत बड़ा था. जम्मू कश्मीर में तरह तरह की बिकॉज जम्मू कश्मीर हैड बीन नोन फॉर मल्टीकल्चरल मल्टीरेशियल मल्टीरीजनल मल्टीलिंगुअल एरिया रीजन. तो लेकिन उन इन दोनों किताबों ने इन सारी मेकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रीजन में कश्मीर कश्मीर्स आइडेंटिटी रीजनल आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी और कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी का ही वर्णन किया है. और जो मेरा मानना है जो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ इन दोनों को पढ़ने के बाद क्योंकि ये दोनों किताबें बहुत जल्दी मार्केट में पॉपुलर हुई और बहुत ही लोगों ने इनको अपने हाथों में जल्दी से हर स्टूडेंट के हाथों में पकड़ा दिया गया और यही वर्जन जो था एक्ज्यूमेटिक ट्रुक बन के आगे चला. इन दोनों ने कश्मीर आइडेंटिटी इन आइसोलेशन पढ़ी लेकिन जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं हम लोग समझते हैं अपनी हिस्ट्री को तो कोई भी एरिया अगर वो किसी के साथ जुड़ा है तो उसकी आइसोलेशन में उसकी हिस्ट्री को हम नहीं जान सकते हैं. उस रीजन में उसके विजाविस जितने भी एरियाज हैं उसको डिस्कस करने के बाद ही हिस्ट्री एस्टैब्लिश होती है. और दूसरी बात जो बड़ी अचंभे वाली है इन दोनों ने बार बार अपनी राइटिंग्स में लगभग 300 और 350 पन्नों की ये किताबें हैं यहाँ हर जगह बिकॉज 1846 टू 1947 वी हैड फोर डोगरा महाराजास. डोगरा रूल रहा महाराजा गुलाब सिंह महाराजा रणबीर सिंह महाराजा प्रताप सिंह एंड महाराजा हरि सिंह. इन चारों महाराजाओं के लिए उन्होंने हर जगह क्योंकि कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीरी आइडेंटिटी से ये सारा रिसर्च डिस्कोर्स रहा तो उन्होंने कहीं पर भी महाराजास को इज्जत के साथ ना बोलते हुए हिंदू महाराजा हिंदू रूल हिंदू डोगरा रूल राजपूत रूलर कहते हुए उनको डिस्क्राइब किया. और यहाँ तक अगर हम आगे चले तो महाराजा गुलाब सिंह जो कि इस पूरे एरिया के महाराजा बने थे 1846 में व्हेन ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव फ्रेडरिक क्यूरी एंड हेनरी लॉरेंस और साथ में गुलाब सिंह जो उस वक्त सिर्फ राजा थे जम्मू के बिकॉज 1822 में महाराजा रंजीत सिंह ने उनको जम्मू का राजा बना दिया था. तो इन दोनों के बीच में जो साइन होती है ट्रीटी उसको भी उसकी हिस्टोरिसिटी को चैलेंज करते हुए उसको सेल्स डीड माना. जो सारा का सारा परसेप्शन है 1846 की 10 आर्टिकल ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ना मानना उसकी हिस्टोरिसिटी को निगेट करना जैसे कि सुबह हमारे मान्यवर पूजनीय प्रोफेसर एस सी मित्तल ने भी कहा था हीगल को कोट किया था थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. तो मुझे लगता है कि अब वो सिंथेसिस का दौर हमें मिल चुका है जहां पर ये लोग हिस्टोरिसिटी ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर को जहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. दूसरे नंबर पे महाराजा गुलाब सिंह को इस पूरे कश्मीर के और कश्मीरी लोगों के लिए उनको एलियन मानते हैं. और फिर ये जो सारा का सारा वर्जन आता है कि ये दोनों प्रमोट करते हैं दैट कश्मीरी स्टिल आर क्लैमरिंग फॉर राइट्स रूल ऑफ चॉइस अभी तक. तो ये जो सारे प्रकरण से की जो बात है वो उसका मूल मंत्र और उसकी जड़ मुझे लगता है मैं इतनी बात जरूर कहूंगी उसका लगता है बिकॉज इन 1846 उससे पहले अगर हम जाएं तो 494 ईयर्स तक मुस्लिम रूल रहा चाहे वो मुगल्स का रहा और या अब्दाली का रहा. उसके बाद 1819 से
28 साल के लिए सिख रूल शुरू होता है, वहाँ पर सिख गवर्नर अपना बिकॉज महाराजा रंजीत सिंह ने अपना वहाँ पर रूल एस्टेब्लिश कर लिया था, तो सिख रूल के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गवर्नर थे। और उसी के बाद 1822 में यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह यहाँ पर जब राजा बन चुके थे, तो उसके बाद भी 1846 में इस नए रीजन का गठन होता है। तो गठन होना, इस नए रीजन का गठन अगर हम 19वीं सदी की बात करते हैं तो द मेकिंग ऑफ द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट इज नॉट समथिंग विच इज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसलिए अगर 1846 में थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये रीजन बनता है तो उसकी हिस्टोरिसिटी इस बात पे कर दी जाती है कि कश्मीर वॉज सोल्ड। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है शायद क्योंकि नानक शाही 75 लाख की गुलाब सिंह ने दी थी। वो गुलाब सिंह ने क्यों दी थी हमें उसके कारण इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इन द दिस एरिया ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी हर वॉर के बाद ट्रीटी होती है और ट्रीटी के बाद वॉर इंडेमनिटी डिफीटेड उसको उसको डिफीटेड पार्टी को देनी पड़ती है। तो लाहौर दरबार 1845 एंग्लो सिख वॉर होती है, फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है, दरबार लाहौर दरबार हार जाता है और उनके ऊपर 1.5 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी इम्पोज की जाती है। और लाल सिंह जो वहाँ के वजीर थे उन्होंने कहा कि मेरे पास 1.5 करोड़ नहीं है तो मैं सिर्फ 50 लाख दे सकता हूँ। तो उस ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद, ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज प्रिल्यूड टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है जिसमें आर्टिकल 3 में ये कहा जाता है कि नानक शाही अब जो देंगे वो गुलाब सिंह देंगे क्योंकि लाहौर दरबार पूरा एरिया बिटवीन रिवर ब्यास एंड इंडस वो इन परपेचुइटी सॉवरेनिटी सीड करता है ब्रिटिशर्स को, सीड करता है, अपना दे देता है और इसके एवज में उनको वॉर इंडेमनिटी कम कर दी जाए। तो इसलिए वो 75 लाख जो रुपया जिसको सोल्ड की बात कही जाती है तो वो महाराजा गुलाब सिंह ने इसलिए दिए थे क्योंकि दैट वॉज पार्ट ऑफ द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। हेंस कश्मीर वॉज नेवर सोल्ड, कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो राइटर्स और उनकी अपनी हिस्ट्री में जो राइटिंग्स आती है और जो सिर्फ कश्मीर को इन आइसोलेशन देखते हैं तो वो जम्मू और लद्दाख रीजन के कल्चर इथॉस उनकी हेरिटेज उनकी हिस्ट्री को निगेट करते हैं और अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की ही हमेशा वो बात करते रहे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी हो रही है और शायद आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो, जिस दिन से आर्टिकल 370 हटाया गया है उसके बाद से वी विश कि अब जेन्युइन डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट पूरे यहाँ की होगी और उसके साथ ही शायद हमारा वो पूर्ण और अंतिम विलय अब हो चुका है। धन्यवाद। राज्यसभा और लोकसभा में जितनी बहस हुई है उतने ही अपनेपन से शायद अनुराधा सिंह जी ने यहाँ पे कहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिंधु कुमारी जी ने कहा है, सिंधु कपूर जी ने कहा है। लेकिन एक बात है, हमारी संस्कृति महाकाव्य वाली भी है और दोहे वाली भी है, हम दोहों में भी सार रख सकते हैं और महाकाव्य में भी हम वर्णन कर सकते हैं। प्लीज़ समय का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है आपका कहना, लेकिन प्रश्न स्पष्ट कीजिए। मृदु राय ने बुक लिखी और उसका टाइटल दिया हिंदू महाराजा मुस्लिम सब्जेक्ट्स, हिंदू रूलर्स मुस्लिम सब्जेक्ट्स। लेकिन इस बारे में मैं ये शायद मेरे से ही ये पॉइंट छूट गया, धन्यवाद आपने मुझे ये समय फिर से दे दिया। कहीं पर भी हमें ये नहीं पता चलता कि किसी भी महाराजा ने हिंदुइज्म, हिंदू के किसी शास्त्र, हिंदू के किसी भी विधि विधान को ऑन द अपना रूल ऑन द बेसिस ऑफ थियोक्रेसी रखा हो।
कहीं पर भी हमें इसका वर्णन नहीं मिलता है, बिकॉज स्टेट रिलीजन कहीं पर भी हिंदुइज्म नहीं डिक्लेयर हुआ। इसके बारे में बहुत सी बातें मैं आपको बता सकती हूँ, शेयर करती हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात मैं पॉपुलर सेंटिमेंट की बात करूंगी यहाँ पर कि माता वैष्णो देवी को ये परिवार हमेशा अपनी कुल देवी के रूप में मानता रहा। जब उसकी भी प्रमोशन या स्पेशल उसको स्टेटस नहीं दिया गया तो हिंदू रिलीजन के किसी भी शास्त्र को रूल के साथ कहीं पर भी इंटेग्रेट नहीं किया गया। सो मच सो 1925 जब महाराजा हरि सिंह वहां के रूलर बने तो उनकी जो सबसे पहले अभिव्यक्ति थी, उनकी जो व्यक्ति थी, उन्होंने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ मगर न्याय ही मेरा धर्म है। यस आई एम अ हिंदू बट जस्टिस इज माय रिलीजन। एंड महाराजा हरि सिंह का जितना भी पीरियड हम देखते हैं उन्होंने सबके उत्थान के लिए काम किया। देखिए एक बात है, इस सभाघर में हम 100 लोग हो सकते हैं, तरह तरह के हर बैकग्राउंड के हो सकते हैं, इस सभाघर में जो होगा हम सबके लिए होगा। तो स्टेट में भी कोई डेवलपमेंट होती थी सबके लिए होती थी, पिन पॉइंट कहीं पर भी नहीं। अगर प्रजा सभा बनी 1934-1939 या उसके बाद भी तो इट वॉज मेंट फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। धन्यवाद।